हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक मैजिक डकलिंग क्वाड टू ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 के अंदर, वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। आप अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर कोई भी ब्राउजर आप ओपन कर लीजिएगा। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है ब्लैक मैजिक, इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा ब्लैक मैजिक डिजाइन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते हैं, ब्लैक मैजिक डिजाइन का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको थर्ड टैब दिख जाएगा सपोर्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते हैं, ये विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कैप्चर एंड प्लेबैक, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा लेटेस्ट डाउनलोड, इसके नीचे आपके केस में जो भी लेटेस्ट डाउनलोड होगा यानी जो भी लेटेस्ट ड्राइवर होगा यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। यदि ओल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ओल्ड ड्राइवर भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारा ड्राइवर यहीं से आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वहीं आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आज के डेट में यहाँ पे 12.8 वर्जन है, हो सकता है आप जिस डेट में आप इसको डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं उस डेट में इससे अपर वर्जन आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, सेम तरीके से इसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख जाएगा, एक मैक के लिए, एक विंडो के लिए, एक लिनक्स के लिए। तो आपको क्या करना है, विंडो के अंदर करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे विंडो दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे सारा डिटेल फिलअप कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप बिना फिलअप किए ही डाउनलोड करना चाहते तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड ओनली दिखा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ऑटोमेटिक इसका ड्राइवर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, या नहीं तो आपके केस में ऑटोमेटिक ड्राइवर डाउनलोड होना नहीं शुरू होता है तो आपको क्या करना है, मैनुअल इसको डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा डाउनलोड करने के लिए, यहाँ पे क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, उस फोल्डर के अंदर जाना है जहां आपने इसको डाउनलोड किया है, वहां पे आपको इस तरह से ये फाइल दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपके केस में भी इस तरह से जी फाइल दिखेगा, तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। यदि ओपन नहीं होता तो आपके केस में भी इस तरह का फोल्डर दिखेगा, उसको आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको इसका ड्राइवर दिख जाएगा। आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप राइट क्लिक करके ओपन करके इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों चीज में से कोई एक चीज आप कर लीजिएगा। करते हैं, इस तरह से आपके केस में भी विंडो ओपन हो जाएगा। चलिए मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड में जो विंडो है इसको क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं, इस तरह से इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे रीस्टार्ट के लिए बोलेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक करके सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, यदि आप इस ड्राइवर को सेव करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, या नहीं तो इसको आप यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा आपके केस में इसका ड्राइवर इंस्टॉल हो गया होगा। चलिए अब आपको चेक करने के लिए मैं वो भी तरीका बता देता हूँ कैसे आपको चेक करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिवाइस मैनेजर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं, इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा साउंड, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारा ड्राइवर
देख जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे जितना भी ड्राइवर होगा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, आप देख रहे हैं जितना इनपुट होगा यहाँ पे उसका इतना इनपुट दिख जाएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं इसका ड्राइवर इंस्टॉल हुआ या नहीं, एक तो तरीका ये हो गया। चलिए अब आपको मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ कैसे आपको चेक करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल पैनल दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करके कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है, या नहीं तो आप सर्च करके भी कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हैं। दोनों में से कहीं से भी क्लिक करके आप कंट्रोल पैनल ओपन कर लीजिएगा। ओपन होने के बाद यदि आपके केस में इस तरह से नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके लार्ज आइकन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके केस में भी इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा ब्लैक मैजिक डेस्कटॉप वीडियो सेटअप, इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसको आपको ओपन कर लेना है। इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो ये दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, या तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा ब्लैक मैजिक, तो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ से भी क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो तीनों तरीके में से किसी एक तरीके से आप इसको यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको इसका ड्राइवर दिख जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे जितना कार्ड कनेक्टेड होगा यहाँ पे सारा कार्ड दिख जाएगा। मान लीजिए एक से ज्यादा मल्टीपल कार्ड कनेक्टेड है तो भी, चाहे डिफरेंट डिफरेंट कार्ड कनेक्टेड है तो भी, कितना भी ब्लैक मैजिक का कार्ड कनेक्टेड होगा एक ही ड्राइवर इंस्टॉल करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक सारा कार्ड डिटेक्ट हो जाएगा। अब आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करने के लिए दिख जाएगा, या नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके केस में दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कनेक्टर दिख जाएगा। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं यदि SDI 1 या 2 होगा, इस तरह से होगा तो आपको क्या करना है, SDI 1 पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही यहाँ पे क्लिक करके कनेक्टर के ऊपर क्लिक करके सब में यहाँ पे आपको चेंजेस करना है। ऐसा होगा तो यहाँ पे आपको इस तरह से करना है, सेव करना है, नहीं तो दो कार्ड में एक ही तरह का इनपुट आ जाएगा, यानी दो पोर्ट में। तो इसीलिए आपको यहाँ से मैनुअल इसको चेंजेस कर देना है। सेव कर लीजिएगा, इसको भी आप यहाँ से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, एक ही यहाँ पे कनेक्टेड होना चाहिए, इस तरह से दो सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। तो इस तरह से सेटिंग आप यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद आपको सारा इनपुट यहाँ पे काम करेगा। अब आप इसमें जो भी इनपुट या आउटपुट यूज करना चाहते हैं, जिस भी पोर्ट को, आप अपने हिसाब से असाइन करके इसको यूज कर सकते हैं। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।